नर्मदा बचाओ आंदोलन के जिला मुख्यालय पर मेधा पाटकर ने प्रेस वार्ता ली। पाटकर ने बताया कि 2019 में शासन द्वारा नर्मदा पट्टी से डूब प्रभावितों को हटाकर टीन शेड में पहुंचा दिया, जिनकी अब तक प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है। दरअसल नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर ने नर्मदा घाटी के डूब प्रभावितों को अब तक मुआवजा और बसाहटों में मूलभूत सुविधाओं के नहीं मिलने पर सवाल उठाते हुए प्रेस वार्ता कर बताया कि पात्र डूब प्रभावितों के हक को नहीं दिए जाने पर लिखकर नहीं दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री के एक बयान में उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन को विकास की राह में रोड़ा बताया है, जिसका विरोध करते हैं। बड़वानी से हर्षद सोनी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी विज्ञान भवन के अपने भाषण में भी एक ही विकास परियोजना का उदाहरण दिया और वो था सरदार सरोवर। उनका कहना था कि सरदार सरोवर में आंदोलन ने रोड़े डाले और न्यायाधीशों ने भी हिचकिचाहट महसूस करते हुए सही आदेश नहीं दिए, इसीलिए काम रुका रहा, इसीलिए इतने साल लेने पड़े। हम चाहते हैं कि देश के लोग जानें कि सरदार सरोवर की सच्चाई आज भी क्या साबित हो रही है। एक तो बात है विस्थापन और पुनर्वास की। आज भी नर्मदा घाटी के पहाड़ी और निमाड़ी यानी मैदानी क्षेत्र में हजारों परिवार बाकी है कुछ ना कुछ पुनर्वास के लाभ पाने के। ये निश्चित कि 50,000 परिवारों को पुनर्वास मिल गया, ऐसा ये एकमात्र बांध है। न महेश्वर को, न ओंकारेश्वर को, न इंदिरा सागर को किसी भी विस्थापित को जमीन दी, लेकिन यहाँ 20,000 विस्थापितों को जमीन मिलते हुए भी ये निश्चित आज भी जो बाकी है उनका उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। 60 लाख जमीन के बदले देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन की याचिका में दिया, लेकिन आज तक ऐसे कुछ 100 लोग बाकी हैं जिनको आदेश शिकायत निवारण प्राधिकरण का या हाईकोर्ट का होते हुए भी अपनी अनुदान राशि नहीं मिली है, तो वो भूमिहीन हो गए हैं।